हम तो बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। फेसबुक पे कौन सा सेक्स आपके लिए? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैमरा थोड़ा नीचे कीजिए, अब छक्का सही से दिख नहीं रही है। थोड़ा सा नीचे और थोड़ा और, थोड़ा और नीचे। आई थिंक इट्स नाइस। इतना ही सी मुझे शक्ल ही नहीं दिख रही आपसे, लाइक मुझे तो हेडबोर्ड दिख रहा है। लो अच्छा, आप भी पठान है? क्या नाम है आपका? नहीं जी, मैं बलोच। अच्छा आप बलोच है, मैं ठीक हूँ। कहाँ से आप? मैं बलूचिस्तान। कहाँ से? मुझे दिख नहीं रही ना इनकी पूरी शक्ल, ही दिखा रहे हैं मुझे दोबारा। आप पहले मेरी बात हुई आपसे? बलूचिस्तान। हमारी बात हुई थी पहले? मेरा फर्स्ट टाइम। पहली दफा हो रही है? मेरा फर्स्ट टाइम। बलोचिस्तान। तो बलोचिस्तान में क्या हालात चल रहे हैं आजकल? मैंने सुना बड़े खराब हालात चल रहे हैं बलोचिस्तान में। जी सैलाब आया हो। सैलाब के अलावा भी? तो सैलाब के अलावा क्या, कभी ड्राउट होता है तो कभी सैलाब हो। हाँ तो आपकी गवर्नमेंट कहाँ है, कुछ कर रही है कि नहीं कर रही है? गवर्नमेंट क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में कोई गवर्नमेंट है? वही तो मैं पूछ रही हूँ। तो ये जो फंड आए थे सर आपके, कहाँ गए? पैसा कहाँ गए? बट रहे हैं लोगों में। बट रहे हैं लोगों में। हाँ जी, अभी इतने इन लोगों ने पैसे एड मंगवाई थी काफिरों के मुल्कों से कि हमको दो सैलाब आया है, तो कहाँ गया सारा पैसा? ये तो उनको पता होगा जिन्होंने मंगाया। क्योंकि लोगों को तो नहीं मिला, सैलाब वाले लोग तो ही बैठे हैं, वो कह रहे हैं हमको तो कुछ भी नहीं मिल रहा। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मिल रहा है, लोगों को मिल रहा है। अच्छा आपकी शादी हो? मैं ग्राउंड पे मौजूद हूँ, मुझे पता है, मैं खुद डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ। अच्छा तो उन लोगों को इमदाद मिल रही है ये कह रहे हैं आप? डेफिनेटली डेफिनेटली। अच्छा मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वहां पे बिल्कुल ही पैसे नहीं होंगे, अगर मिल भी रहे होंगे तो आई डोंट थिंक कि सारे पैसे मिल रहे होंगे, आधे आधे हो गए होंगे। पैसे तो नहीं मिल रहे, लेकिन इन शेप ऑफ कमोडिटीज लाइक फूड मिल रहा है लोगों को, टेंट मिल रहे हैं। वो तो लोग अपनी आपस से मदद कर लेते हैं ना, जो गवर्नमेंट जो करना चाहिए जिसको, उनका तो आई डोंट थिंक इट्स अ बिग पार्ट। हाँ लोग लोकली जो अपने होते हैं लोग वो कर देते हैं दूसरे की मदद। अच्छा आपकी शादी हो? गवर्नमेंट तो अपनी कुर्सी पे डर रही है, कभी एक इधर तो कुर्सी कुर्सी गेम चल रहा है, यहाँ पर गवर्नमेंट है कहाँ? मेरी तकरीबन अभी 40 साल से अबव एज है, मैंने 40 साल में कभी गवर्नमेंट कहीं देखी नहीं। आपने अगर देखी हो तो हमें बता दें। नहीं नहीं मगर फिर ये वही बात है, कोई भी पार्टी हो, मैं तो कहती हूँ कोई भी पार्टी हो, इस पहले आपने दूसरी पार्टी को देख लिया आजमा के उन्होंने कौन सा इतने तीर मार दिए। ये अभी इमरान खान भी आए थे, उन्होंने भी बड़े तीर नहीं मारे, मगर लोग आपस में लड़े जा रहे हैं। वो इमरान के लिए लड़ रहे हैं तो कोई नवाज शरीफ के लिए लड़ रहे हैं, तो कोई पीपीपी के लिए लड़ रहे हैं। लाइक आप लोग किस चीज, किन के लिए लड़ रहे हो? क्योंकि मैं तो कहती हूँ उनमें से किसी ने कुछ नहीं करना, वो सब अपनी गली के पीछे। जब तक, मेरी बात सुने आप, जब तक इंसान खुद को नहीं पहचानता वो दुनिया को नहीं पहचान सकता। एंड वी आर स्टिल इन दिस स्ट्रगल के अभी तक हमने खुद को नहीं पहचाना, चाहे जितने भी केपी के हों, बलूचिस्तान के हों, सिंध के हों, पंजाब के हों, बस जनाब कोई एक झंडे के पीछे तो कोई दूसरे झंडे के पीछे, न ही उनको उनका मंशूर का पता, न ही उनसे कोई पूछता है कि भाई अगर हमने आपको वोट दिया और इस मंशूर के तहत हमने दिया देन व्हाट आर यू डूइंग एंड व्हाट इज योर प्रोग्रेस। प्रोग्रेस पे कोई नहीं जाता। नहीं बहुत हम होप पे जिंदा हैं, होप पे जिंदा थे, ये मुल्क भी बना था होप पे कि एक अच्छा सा मुल्क होगा और वो
उसी होप पे चल रहे हैं कि होगा होगा होगा, एंड स्टिल वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर एंड प्रेजेंट को कोई नहीं देख रहा कि क्या हो क्या रहा है. दिस इज अ सॉरी टू से रबिश, हम बस एक फजूल किस्म की चीजों में पड़े हुए हैं. वो जानबूझ के लगाया ना आपको, आपको जानबूझ के लगाया हुआ है फजूल चीजों के पीछे. आपको जानबूझ के पढ़ाई लिखाई पे इतना वो नहीं दिया जाता है, क्योंकि अगर लोग समझ जाएंगे नहीं पढ़ाई लिखाई नहीं नहीं पढ़ लिख लेंगे तो फिर वो सवाल करेंगे ना लोगों से. नहीं 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 मेरी बात सुने, मेरी बात सुने. पढ़ा लिखा तो अभी आपको मैं आपको अगर बताऊं कि पहले हम अगर आज से कोई 30 साल पहले ये बात करते कि पढ़ाई की कमी है और लिटरेसी रेट जो है वो बहुत कम है, अभी तो हर घर में आपको जो है मास्टर से कम कोई बंदा नहीं मिलेगा. इट्स मीन कि आपकी जो लिटरेसी रेट है वो तो मोर देन 80% पे चलेगी. अच्छा हाँ, तो अभी तो यहाँ पर देखें, जब तक आप फॉर्म को फैसिलिटेट नहीं कर पाएंगी या फॉर्म को कोई किसी तरफ से आप उनको एक यहाँ पर सिक्योरिटी के मसले यहाँ पर होते हैं जनाब, जॉब के मसले यहाँ पर होते हैं, और फ्यूचर तो कोई जानता ही नहीं कि फ्यूचर भी कोई चीज है, किसी भला का नाम है या नहीं. बस आज के लिए रो रहे हैं. वो हमारे एक कजन है, बहुत अच्छी बात करते हैं. वो कहते हैं कि यहाँ पर लोगों को आटे और चीनी की लड़ाई में लगाया हुआ है, वो कुछ इसके अलावा कुछ सोच ही नहीं सकता. आल्दो के दे आर वेल वेल एजुकेटेड और सब कुछ है, बट जो 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 सेंस आप में, जो शूर आप में आता है बढ़ने का और कौम को संभालने का या फिर कौम के कौम को कोई रास्ता दिखाने का, वो उस टाइम तक नहीं आ सकता जब तक आप मेंटली सिक्योर नहीं हो. वी आर नॉट सिक्योर हेयर इन मेडिकल की तरफ से, हम नहीं है सिक्योर. हमें थोड़ी सी कोई खुदा न खास्ता कोई बीमारी हो जाती है, हम परेशान हो जाते. अगर हमें कोई भी लेट सपोज अगर हम तालीम की बात करें तो अभी तालीम तो हर दूसरे घर में आपको MBA पास और MA पास और जनाब कोई BEd की डिग्री लिए तो कोई किस चीज की डिग्री लिए. बहुत सारे जो गरीब लोग हैं वो तो नहीं पढ़ रहे ना अभी भी, अगर आप स्पेशली अगर आप रूरल एरिया में जाओ, गांव देहातों में थोड़ी पढ़ रहे हैं. रूरल एरिया मैं आपको बताऊं कि रूरल एरियाज में आपको CSS की तैयारी वाले लोग मिलेंगे. एंड मैं खुद बिलोंग करता हूँ बलूचिस्तान से, मुझे पता है कि हमारे क्वेटा में कहाँ कहाँ से लोग आते हैं पढ़ने के लिए. रूरल एरिया से आते हैं. अभी तो जहाँ जब मुशरफ ने एक अजीब काम किया इस पाकिस्तान के लिए, तो मैं कहता हूँ अगर अल्लाह पाक ने उसकी मदद करनी तो ये इस चीज पे हो जाएगी कि उसने रोड बना कर दिए सारे पाकिस्तान. जो डिस्टेंस था वो डिस्टेंस खत्म कर दिया शहरों और गांव के दरमियान, जो डिस्टेंस था कि वंस अगर कोई जॉब से आता क्वेटा के लिए देन वो 2 दिनों का सोच कर आता कि यार एक दिन मैं जाऊंगा तो वहां पर स्टे होगा, अगले दिन फिर जब अपना काम करूंगा देन स्टे होगा, देन थर्ड दिन तीसरा दिन जो था वो वापिस आने की सोचता. नाउ यू कैन गो आउटब्रेक इंशाल्लाह एक दिन में आपकी आउटब्रेक हो जाती है. मैं ट्विटर वगैरह पे बैठी होती हूँ ना, तो वहां पर पूरा मैंने देखा है कि वहां पर एक बलोच मूवमेंट चल रही है जो कि चाहते हैं कि बलोचिस्तान जो है वो सेपरेट हो जाए पाकिस्तान से. तो क्या अभी ये वहां पर ऑन ग्राउंड ये बलोचिस्तान में? नहीं 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 मैं आपको एक बात बताऊं, हम बदबख्ती हमारी ये है कि हमें मीडिया जो है जब भी हो मीडिया में बहुत ही अजीब सा रिप्रेजेंट करती है चाहे हर हवाले से हो. अभी अगर मिसाल लेट सपोज अभी ये फ्लड का जो सिनेरियो चल रहा है यहाँ पर आप जाकर देखें कि आपने आप जैसे अभी आपने कहा कि वहाँ पर लोगों को कुछ नहीं मिल रहा और क्यों नहीं मिल रहा और कैसे नहीं मिल रहा. मैं खुद ग्राउंड पर मौजूद हूँ, मुझे पता है कि लोगों को चीजें मिल रही हैं और लोग जो है उनको राशन मिल रहा है कतर चैरिटी की तरफ से, बड़ी बड़ी एनजीओ की तरफ से, यूएन की तरफ से, गवर्नमेंट खुद उसको कर रही है. हालदो कि मैं खुद गवर्नमेंट का ना बंदा हूँ ना मेरी गवर्नमेंट के साथ एज ए मेंटली मेरी नहीं बनती मैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज के साथ, बट जो
वो एक कहावत है कि जब इंसान का बुरा जब आप कहो तो उसका जो फैक्ट अच्छा है वो भी आपको नहीं छुपाना चाहिए, ये खयानत में आता है यार। हाँ नहीं देखो, तो जो अच्छी चीज काम है हो उसको रहा तो है, बोलना हाँ चाहिए अगर कुछ हो रहा है तो। वो भी तो बोलनी चाहिए। मगर हम लोगों को देखो, हमको नहीं पता होता ना, हम तो यहाँ बैठे हैं, हमें क्या पता है ग्राउंड रियलिटी वहां पर क्या है, लोग जो हमको बताएंगे हम उसी पे भरोसा। ग्राउंड रियलिटी, नहीं, मीडिया और ग्राउंड तो रियलिटी बेकार हो अभी गए। देखे मैं, ये तो बस बदबख्ती हमारी ये है कि बस हमें वो कहते हैं ना, घर को चिराग लग, वो घर को आग लग गई घर के चिराग। हमें हमेशा अपने, अभी हमारे जितने भी सियासतदान हैं, अगर ये एक अभी इनसे सिर्फ ये पूछे कोई कि इनके साथ मसला क्या है, क्या चाहते हैं। जो महंगाई के खिलाफ 14 पार्टियां निकल आई थी, देन क्या हुआ, वही 14 पार्टियां बैठ गई, सिर्फ उनको सीट चाहिए थे, वो सारी 14 पार्टियां बैठ गई, महंगाई तो उसी अरूज पे। हम इमरान खान के जमाने में 30 रुपए 40 रुपए टमाटर था, आज मैंने 200 रुपए किलो खरीदा। कहाँ गई ये 14 पार्टियां, कहाँ गई इनकी वो महंगाई के खिलाफ तहरीक। दे आर जस्ट सेल्फिश। तो जब तक शऊर नहीं आएगा, तालीम आपको कुछ भी नहीं दे सकते। हम तालीम को देखें, हाँ तालीम नहीं, तालीम से मैं शऊर मतलब मिलता पढ़े लिखे है लोगों से मेरी बात होती डेफिनेटली, है। बट हमने हमने तालीम जो है वो जस्ट एक डिग्री तक हासिल किया, कि नहीं देखो, हमें तालीम मैं से काफी सिर्फ और सिर्फ मानती डिग्री हूँ, मिली। क्योंकि देखें जब मैं जब मजहब के ऊपर बात कर रही होती हूँ तो मैंने यहाँ पर मेडिकल डॉक्टर्स देखे हैं, पीएचडीज देखे हैं, और जब रिलीजन पे बात आ जाती है तो मुझे तो वहां पर भी वो भी जाहिल लग रहे होते हैं, क्योंकि वो दे चंद दूसरी भी चीजें हैं ना जिन पे बात करो तो ऐसे ही लगता है कि पढ़े लिखे जा रहे हैं। चले थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मैं आगे निकलती हूँ, मुझे सो नाइस घर सर, भी करना है। सो नाइस थैंक सर, यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू थैंक यू। चले ठीक, या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।